संसद में आज का दिन काफी खास रहा। क्यों? पहली बार हमारी सरकार और हमारा विपक्ष दोनों एक ही मुद्दे पर एक ही सुर में कंस्ट्रक्टिव डिबेट करते हुए दिखे। दरअसल लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पर बहस के बाद इसे पास कर दिया गया है। दोज इन फेवर में से आए, दोज अगेंस्ट में से नो, आई थिंक द आईज हैव इट, आईज हैव इट। इस बिल के जरिए तत्काल तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने इस पर सख्त कानून बनाने का फैसला किया था। दरअसल खास इसलिए रहा क्योंकि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया। हाँ, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि हम इस विधेयक को अपना समर्थन देते हैं, भले ही इसमें अभी भी थोड़ी त्रुटियां हैं जो कि स्टैंडिंग कमेटी के सामने ठीक हो सकती है। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद सौंपने के बाद अब सोनिया गांधी अपना रिटायर्ड लाइफ जी रही है। अभी वो गोवा में है। तेजस 19 साल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही हैं, अगर गोवा जाती हैं छुट्टियों के लिए तो उसमें गलत क्या है? नहीं, गलत नहीं है, ये तो बनता है। जहाँ पे एक तरफ राहुल गांधी हिमाचल और गुजरात के चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी वर्कर्स के साथ मंथन कर रहे हैं, तो सोनिया गांधी अपने दोस्तों के साथ गोवा में योगा और साइकिलिंग करते करते वक्त बिता रही हैं। तेजस, साल 2017 भारतीय खिलाड़ियों के लिए शानदार रहा है। हाँ, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं यार, हर खेल में हमारे पास एटलीस्ट एक चैंपियन है। बिल्कुल, सभी खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने झंडे गाड़े, चाहे फिर वो डेफ ओलंपिक्स हो, चाहे फिर वो क्रिकेट हो, कबड्डी हो या फिर कुश्ती। आइए नजर मारते हैं इन चैंपियंस पर। कुलभूषण जाधव के मुद्दे को लेकर सुषमा स्वराज ने आज संसद में पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। सुषमा ने राज्यसभा में कहा कि एक मां और बेटे की मुलाकात को पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया। सुषमा ने पाकिस्तान की इस हरकत को घटिया बताया। 22 महीने बाद एक मां की अपने बेटे से और एक पत्नी की अपने पति से होने वाली भाव भरी भेंट को पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। सुषमा स्वराज के बयान के बाद विपक्षी पार्टियों ने भी एक सुर में पाकिस्तान की निंदा की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को हुए धमाकों में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि ये धमाका एक कल्चरल सेंटर को निशाना बनाकर किया गया था। टीवी सीरियल्स का जमाना छोड़ते हुए 2017 में हमने वेब सीरीज का दामन थामा। ऐसी कई ओरिजिनल वेब सीरीज आई जिन्होंने लोगों को खूब एंटरटेन किया, तो क्विंट हिंदी लेकर आ रहा है इन्हीं वेब सीरीज की एक लिस्ट, जो कि आपको अपने एक्सटेंडेड वीकेंड के लिए वेब सीरीज चुनने के लिए काफी काम आ सकती है।